की आपदा की गतिशीलता पर विकासार्थ विद्यार्थी हिमाचल की तरफ से शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में पिछले दिनों हिमाचल में आई आपदा को लेकर चर्चा की जा रही है। इसमें विशेषज्ञ भविष्य में इस तरह की त्रासदी से बचने को लेकर अपने सुझाव दे रहे हैं। सेमिनार में एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर हरिलाल मुरलीधर रघुवंशी ने कहा कि अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में हिमाचल की मिट्टी ज्यादा रेतीली है, इसलिए यहाँ घर बनाने से पहले मिट्टी की टेस्टिंग बेहद जरूरी है ताकि मिट्टी की क्षमता के हिसाब से ट्रीटमेंट की जा सके और भविष्य में घरों को टूटने से बचाया जा सके। के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल स्टडी करना जरूरी है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है उसका स्टडी डिटेल करना है। जैसे बहुत सारी सॉइल होती है, जैसा क्ले होती है, सैंडस्टोन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड सिल्ट ये सॉइल होती है। तो इसमें क्या है कि सॉइल जो है अब्सॉर्बिंग वाटर अब्सॉर्बिंग काफी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसा बारिश ज़्यादा आई तो पानी अब्सॉर्ब करती है, उसके बाद में क्या होता है पार्टिकल लूज होते जाते हैं सॉइल के। जैसे पार्टिकल लूज होते हैं तो सॉइल क्या होती है स्लिप होती है और लैंडस्लाइडिंग चालू होती है। ये मेजर रीजन है उसके लैंडस्लाइड फ्रॉम हिल से डाउन तक। तो इसके लिए कुछ केयर लेना बहुत जरूरी है। जैसे सैंड सॉइल है, जैसे हिमाचल में सैंड सॉइल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी उत्तराखंड में जो चिकन मिट्टी बोलती है वो ज़्यादा है। तो वहाँ